हेलो फैबुलस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस की कुर्ती को कैसे सिलना है ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिप्स की भी पट्टी काट ली थी। पहले हम अपने कपड़े और अस्तर मतलब सेंटून के कपड़े और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे, उसे कच्चा कर लेंगे चारों तरफ से। दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए ही आप इसके किनारे पे कच्ची सिलाई करें, जिससे कि आपका अस्तर और कपड़ा दोनों बराबर सिल सके। अस्तर की लेंथ में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो हम उसी मार्जिन को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। लेंथ में अस्तर को फोल्ड करने के बाद हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू कर लेंगे। हमने एक तरफ कच्चा कर लिया है, अब हम दूसरी साइड भी कच्चा कर लेंगे अस्तर और कपड़े को। थोड़ा बहुत जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आया होगा हम उसे साइड में से कट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक पैर जितना ही साइड में से एक्स्ट्रा कपड़ा आया था, तो मैंने उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद पहले हमने बैक पार्ट को सिला था, तो बैक पार्ट जो हमारी बैक प्लेट्स डलनी है हमने उसका निशान लगाया हुआ था, तो सेम निशान पे भी हम कच्चा कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें प्लेट्स डालें तो हमारा कपड़ा हिले नहीं, हमारी प्लेट्स दोनों बिल्कुल सही डले। तो हमने दोनों ही प्लेट्स पे कच्ची सिलाई कर ली है। सेम तरीके से ही अब हम फ्रंट पार्ट में भी अस्तर को कच्चा कर लेंगे। लेंथ में सेम मार्जिन ही हमने फोल्ड किया है। बराबर अपने कपड़े और अस्तर को रखते हुए ही हम इसमें भी अपने अस्तर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फ्रंट पार्ट को बराबर रखते हुए हम इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे नेक की तरफ। जो हमारा नेक की साइड थी वहाँ पे हम सेंटर का कट लगा लेंगे बराबर रखते हुए। इसके बाद आप अपने नेक को नाप के देख ले कि आपको कितना नेक बनाना है। तो फ्रंट नेक हमें यहाँ पे 6.5 इंच रखना था और बैक नेक हमें 7 इंच रखना था, तो हम इसी के हिसाब से इसमें निशान ड्रॉ कर लेंगे और अपने कपड़े को नाप के देख लेंगे कि हमें कितना अपना नेक चाहिए है। तो नेक बनाने के लिए हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहे तो आप इसमें बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। हमें अपना जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमें 1.5 इंच की गहराई चाहिए है। 6 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है, आप देख सकते हैं। लंबाई के लिए हमने 2 इंच लिया है। 1.5 इंच में हम इसका जो हमें नेक बनाना है उसका डिज़ाइन बनाएंगे। 6 इंच की चौड़ाई का सेंटर करते हुए हम 1.5 इंच के मार्क से अपने निशानों को मिला लेंगे, आप देख सकते हैं। टोटल हमने इसका निशान 2 इंच में लगाया है, 1 इंच हमारा आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा लेंथ की तरफ। 3 इंच का जो हमने सेंटर का मार्क किया है उसे मिलाते हुए उसमें गोलाई देते हुए हम उसकी शेप दे देंगे। उसके अलावा हम इसमें 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, जहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसे आपको कपड़े में लगा के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। आप चाहे तो इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं या फिर आप इसे गोलाई में भी बना सकते हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग को कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे।
पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक पैर का ही मार्जिन हमने साइड्स में लिया है और सेंटर में हमारा जितना मार्जिन रहता है उतना ही मार्जिन है। आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जहाँ पे हमारी कर्व शेप आ रही है वहाँ पे हल्का सा कट देने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसमें सिल लेंगे। सिलने के बाद हम नेक का भी सेंटर कट लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने सेंटर का कट पहले से ही लगाया हुआ था तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ही हम अपने नेक को इसमें सिल लेंगे। जितना मार्जिन हमने लिया था एक पैर का उतने ही मार्जिन पे हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। हम बिल्कुल आर्म होल के एंड तक ही इसमें सिलाई कर लेंगे। हमने सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए एक पैर का मार्जिन हम छोड़ते हुए इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जैसे आप नॉर्मल नेक बनाते हैं सेम ऐसे ही आप इसे भी बनाएं। अगर आपका सेंटर आउट हो जाएगा तो फिर आपका नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पहले सेंटर का दोनों अपने नेक में भी और जो आपने नेक बनाना है उसमें भी सेंटर मार्क करने के बाद ही अपने नेक को बनाइएगा, जिससे कि आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम इसकी किनारे की सिलाई लगा लेंगे अपने पेपर पेस्टिंग को अंदर की तरफ रखते हुए। जैसी हमारी शेप है हम वैसे ही इसमें सिलाई लगा लेंगे किनारे की, जिससे कि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक कुछ इस तरीके का बना है। अब हम इसे दोबारा डबल फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। आप चाहे तो फ्रंट आर्म होल की शेप पहले भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके आर्म होल की शेप बाद में दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधे इंच पे ही निशान लगाया है अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए। आप चाहे तो एक इंच भी ले सकते हैं। आधे इंच में भी अभी हमारा यहाँ पे साइड में उरे पट्टी लग जाएगी तो वो हमारा टोटल एक इंच ही हो जाएगा उरे पट्टी लगने के बाद। तो आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको नीड हो एक इंच आधा इंच आप उतना ले सकते हैं। अब हम बैक पार्ट के नेक को बनाएंगे। हमें 7 इंच का बैक पार्ट का तैयार नेक बनाना है तो उसके लिए हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, लाइनों को सीधा कर लेंगे अपनी। 2 इंच हमारी इसकी चौड़ाई आ रही थी तो हम बैक नेक में भी दोबारा अपनी नेक की चौड़ाई को नाप लेंगे। हमारा 6 इंच तैयार आ रहा था तो इसमें हम 1/2 इंच और ले लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर गोल गला बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें 1/2 इंच और ले लेंगे। 6 इंच तो हमारा पूरा तैयार ही हो जाएगा। जो कि साइड में थोड़ा आएगा वो हम बाद में कट कर लेंगे। 7 इंच पे निशान अपना पूरा नेक नापते हुए ही आप इसमें गोलाई की शेप दें। कुछ इस तरीके से बोट नेक जैसी हमने इसमें शेप दी है। आप चाहे तो डीप भी बना सकते हैं लेकिन इसका लुक बनने के बाद ज़्यादा अच्छा आ रहा था तो हमने इसे ही बनाया है। बराबर अपनी पेपर पेस्टिंग को कट करते हुए आप इसे भी अपने कपड़े पर पेस्ट कर लें। आप देख सकते हैं हमने पेस्ट कर लिया है। इसके बाद इसमें भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ही। हम गले के एक्स्ट्रा कपड़े को इसमें सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इसमें भी सेंटर कट लगा लेंगे, जिससे कि जब हम गला बनाए तो हमारा बिल्कुल सही बने। कपड़े में भी सेंटर का पूरा निशान लगाते हुए ही हमने सेम इसे भी बीच में से पहले कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद हम इसके नेक को बनाएंगे। आप भी इसी तरीके से बनाएं सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ही, जिससे कि आपका गला बिल्कुल सही बने। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एक पैर जितना 1/2 इंच जितना मार्जिन रखते हुए अपने कपड़े में। उसके बाद हम शेप में ही इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद सेम जैसे हमने फ्रंट नेक तैयार करा था वैसे ही हम बैक नेक भी तैयार कर लेंगे उसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए। हमने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं हमारा बोट नेक जैसा नेक बना है बिल्कुल गोल।
अब हम अपनी स्ट्रिप्स को बनाएंगे। तो स्ट्रिप्स के लिए हमने अपनी साइड्स का कपड़ा काट लिया था कपड़े में से, तो ये हमारा डबल फोल्ड करने पे 16 इंच आ रहा था। तो आप अपनी नीड के हिसाब से, हमने यहाँ पे 5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा था, तो उसके हिसाब से आप में आप चाहे तो उसमें 14 या 12 इंच की स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। जैसे हम डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से ही आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आप इसमें सिलाई कर लें। करने के बाद हम इसे पलट लेंगे सेम तरीके से, जैसे आप डोरी को पलटते हैं ऐसे ही इसे भी पलट लें। आप चाहे तो यहाँ पे नाड़े की जैसी स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे डोरी जैसी स्ट्रिप्स बनाई है, तो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे भी बना सकते हैं। बनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, तो मैंने यही ट्राई की है। हम डोरी पलटते हैं सेम उसी तरीके से ही आप अपनी स्ट्रिप्स को भी पलट ले। देख सकते हैं हमारी स्ट्रिप्स बनके तैयार है, ये हमारी आधा इंच के बराबर ही बनी है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे 7 इंच रख रहे हैं, तो आप भी 7 इंच मतलब टोटल 14 इंच नापते हुए ही इसे कट कर ले। कट करने के बाद हम उरेप पट्टियां कट कर लेंगे। हम उरेप पट्टियाँ कट कर लेंगे हमारी साइड्स में लगाने के लिए, तो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था हम उसी में से ही उरेप पट्टी कट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा उरेप पट्टी नहीं लगानी थी, तो हम बचे हुए कपड़े में से ही उरेप पट्टी कट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तिरछी उरेप पट्टी हमने कट करी है। उसके बाद हम सारी उरेप पट्टियों को सिल लेंगे। हमने उरेप पट्टियों को सिल लिया है, अब हम इसे अपने आर्म होल्स में लगाएंगे। हमारे 4 पार्ट्स है आर्म होल के, तो हम चारों में ही इसे लगा लेंगे। पहले हम बैक पार्ट में उरेप पट्टी को सिलेंगे, तो इसके लिए जो हमारी डोरी है उसको आधा इंच इसमें रखते हुए और उरेप पट्टी को भी बराबर रखते हुए हम इसमें सिल लेंगे किनारे से ही। सिलने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगेगी। उसके बाद हम इसमें उरेप पट्टी के एक्स्ट्रा मार्जिन को हम सिल लेंगे एक पैर जितना ही। उसके बाद हम अपनी डोरी को पक्का करते हुए अपने आर्म होल की किनारे की सिलाई लगा देंगे, जैसे कि हमने नेक में लगाया था। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। एक पैर जितना आर्म होल में मार्जिन लेते हुए हम अपनी उरेप पट्टी को इसमें लगा रहे हैं। किनारे पे नेक की तरफ आते हुए हम इसमें अपनी डोरी को भी लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन नापते हुए हम एक्स्ट्रा उरेप पट्टी को कट कर लेंगे। उसके बाद इसे सिल लेंगे। ध्यान रहे कि हम ये सीधी तरफ लगा रहे हैं, उल्टी तरफ हम इसे पलट लेंगे, तो हम इस तरीके से ही इसे लगा लेंगे। एक बार एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए मार्जिन को ढकते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े पे कच्ची सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की किनारे की सिलाई कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। डोरी को भी हम पक्का कर लेंगे। इसी के साथ हमारी बैक पार्ट में डोरी लग के तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल में भी उरेप पट्टी को सिल लेंगे। इसमें हम
फ्रंट साइड में अभी हम डोरी को नहीं सिलेंगे, तो सिर्फ हम आर्म होल को ही सिल लेंगे। आधे इंच की रेप पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सेम तरीके से ही हम इसे भी सिल लेंगे। सेम तरीके से ही हम दूसरे फ्रंट आर्म होल में भी अपनी रेप पट्टी को सिल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे हमारी नई वीडियोस आने पे। हमने सिल लिया है, इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ रखते हुए इस पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे अपने दोनों फ्रंट आर्म होल्स में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक और आर्म होल तैयार होंगे। अब हम साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमने अपने अस्तर में साइड फिटिंग का निशान पहले से ही लगाया हुआ था, तो हम उसको एक बार फाइनल चेक कर लेंगे। अपने कपड़े को भी अपने बराबर फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर नापते हुए अपने निशानों को भी सही से मिला के देख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा था, तो हम इसी पर ही अपनी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। जैसे हमारे निशान लगे हुए हैं, हम सेम तरीके से ही अपने कपड़े को बराबर रखते हुए उन्हीं निशानों पे ही सिलाई कर रहे हैं। हिप की तरफ से पक्का करते हुए हम वापस अपनी सिलाई को ले आएंगे। सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ भी अपने फिटिंग के निशानों पे सिलाई कर लेंगे। अब हम बैक प्लेट्स को सिल लेंगे। प्लेट के सेंटर में हम एक पैर का ही मार्जिन लेते हुए अपनी बैक प्लेट्स को सिल रहे हैं। सेम तरीके से हम दूसरी प्लेट को भी सिल लेंगे। हमने इसे पहले से ही कच्चा किया हुआ था सेंटर से, तो हमें अब इसको पकड़ के सिलने में आसानी हो रही है। तो आप भी इसी तरीके से ही अपनी बैक प्लेट्स को सिलें। अगर आपको कोई सूट अस्तर वाला है या ब्लाउज़ वगैरह में आप करते हैं, तो पहले आप उसके निशान पे सेंटर को कच्चा कर लीजिए, जिससे कि आपको उसे सिलने में आसानी होगी। हमने बैक प्लेट्स को भी सिल लिया है। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। हिप की तरफ लगाने के लिए हम एक लुप्पी तैयार कर लेंगे। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी एक लुप्पी तैयार कर लें, जो कि आप हिप की सिलाई जहाँ पे आपकी एंड हुई है हिप की सिलाई, आप वहाँ पे लगा लें, जिससे कि आपकी हिप की तरफ का कपड़ा फटे नहीं, आपका कपड़ा इस सिलाई से मजबूत रहेगा। और ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे आई बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप भी इसी तरीके से इसे लगा लें। चारों पीसेस को बराबर रखते हुए तो ये हमारा बिल्कुल ही बराबर आ रहा था लेंथ में भी, तो हम अब इसमें 2.5 इंच हमने लेंथ एक्स्ट्रा ली हुई थी अपने मेन फैब्रिक की, तो हमने लेंथ में 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अपने चारों पीसेस में कट लगा लिए हैं 2.5 इंच के निशान पे। अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर पक्की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पक्की सिलाई कर रही हूँ। अगर आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने अपनी लेंथ को सिल लिया है। अपने एक पार्ट को डबल फोल्ड करने के बाद इसमें हम साइड्स को भी नाप लेंगे। साइड्स का निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे, तो 10 इंच पे साइड का निशान हम दोनों साइड लगा लेंगे, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। सेम तरीके से ही अपने पूरे कपड़े को पूरी साइड्स को बराबर रखते हुए, हमारे चारों पीसेस बराबर ही थे, तो इसमें हमें अपने कपड़े को एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हिप की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद हम वहाँ पे उसे पिन से अटैच कर लेंगे। उसके बाद लेंथ में भी हम सेम 10 इंच का ही, जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक ही कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद साइड्स को भी सिल लेंगे। साइड्स में हम यहाँ पे कच्ची सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे, तो लेंथ में भी अगर आपको तुरपाई करनी हो तो आप तुरपाई के लिए लेंथ में भी कच्चा कर सकते हैं। मैंने लेंथ में पक्की सिलाई की है। सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ भी बराबर अपने
मार्जिन को रखते हुए, साइड्स के मार्जिन को बराबर रखते हुए उसे कच्चा कर लेंगे। हमने अपनी साइड्स को सिल लिया है, आप देख सकते हैं हमारी साइड्स बिल्कुल बराबर है, लेंथ की साइड से भी और विड्थ की साइड से भी। अब हम वेस्ट की तरफ, जहाँ पे हमने वेस्ट की शेप दी है सिलाई में, वहाँ पे हम 3 से 5 कट्स लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके के हम इसमें कट्स लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें प्रेस करें या आप इसे पहने तो आपका कपड़ा कमर की तरफ से खिंचा खिंचा ना हो, ये बिल्कुल शेप में ही दिखे। हम अपने सूट को नाप के देख लेंगे तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट आया था, जितने मार्जिन का हमें बनाना है सेम मार्जिन का ही। पूरी साइड फिटिंग होने के बाद आप अपने सूट की फाइनल फिटिंग चेक ज़रूर करिएगा। अब हम अपनी स्ट्रिप्स को नाप के देख लेंगे तो ये हमने 5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेंथ में छोड़ा था, तो हम सेम उसी तरीके से ही अपनी पूरी स्ट्रिप्स को नाप के देख लेंगे सिलाई से ही। तो हम इसे 10 इंच पे निशान लगाते हुए ही सिलेंगे, मतलब 5 इंच एक तरफ से तो ये पूरा 10 इंच हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम 10 इंच पे ही निशान लगा लेंगे दोनों स्ट्रिप्स में। निशान लगाने के बाद हम इसे सिल लेंगे अपनी फ्रंट साइड में ही। तो फ्रंट नेक का हमारा कॉर्नर बना था, हम उसी कॉर्नर पे ही इसे सिल रहे हैं। लगने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी फ्रंट नेक पे हमारी स्ट्रिप्स लगेंगी। इसी के साथ हमारी स्ट्रिप्स लग चुकी है। अब हम आर्म होल की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए उसमें एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा आर्म होल में झोल आता है वो ये सिलाई लगाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों ही तरफ 1/2 इंच का ही मार्जिन लेते हुए अपनी सिलाई को तिरछा करते हुए अपनी फिटिंग की सिलाई से मिला लेना है। हमारी फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमारा पूरा सूट बनके तैयार है।